हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आभा और आपके अपने चैनल कुक विद आभा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जन्माष्टमी स्पेशल चमचम बनाएंगे। चमचम ये मिठाई इतनी टेस्टी लगती है ना कि कान्हा जी भी खुश हो जाएंगे और घर वाले भी खुश हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 लीटर दूध को हम छेना बनाएंगे। ये देखिए दूध हमारा अच्छे से बॉयल हो जाए। दूध हमारा बॉयल हो गया। अब हम 2 चम्मच विनेगर लेंगे वाइट सिर का और 2 चम्मच पानी लिए हैं। दोनों को हाफ हाफ करके थोड़ा थोड़ा विनेगर हम डालेंगे और इसे हम चलाते रहेंगे ताकि छेना हमारा अच्छे से फट जाए। आप इसकी जगह लेमन जूस भी ले सकते हैं। थोड़ा और डालेंगे। देखिए बहुत जल्दी फट जाता है ये। बस हम इसे देखिए अब हमारा फटना शुरू हो गया। पानी अलग हो गया। ये देखिए ये देखिए छेना हमारा अलग हो गया, पानी अलग हो गया। ये हमारा अच्छे से फट गया। अब हम चलते हैं इसे छानने। अब छेने को छानने के लिए हमने एक बर्तन ले लिया है, पतीला, जिसमें हम ये स्टेनर रखेंगे। इसके ऊपर हम एक किचन टॉवल ले लेंगे इस तरह से। अब हम इसके ऊपर इसे डालेंगे। और इसे हमें ठंडे पानी से धोना है। इसके ऊपर से हम पानी डालेंगे ताकि जो विनेगर डाले हैं ना इसका वो खट्टापन सा निकल जाए। बिल्कुल अच्छे से इस तरह से डालेंगे। अब हम इसे ऐसे उठा लेंगे। ये देखिए तो हम रख देंगे। इसके ऊपर हमें भारी बर्तन नहीं रखना है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसके बाद ये देखिए हमारा बिल्कुल सॉफ्ट सा छेना बनके तैयार है। अब हम इसे मस लेंगे अपने हाथों। इसमें हमें इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, ना ज्यादा ड्राई होना चाहिए और ना ही इसमें पानी रहना चाहिए। इसे हम अपने हथेलियों से मस लेंगे बिल्कुल इस तरह से ऐसे। बिल्कुल मसलते हुए हम इसका सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। जितना ही ये सॉफ्ट बनेगा ना, जितने अच्छे से मसलेंगे उतना ही हमारा चमचम बिल्कुल सॉफ्ट सा बनेगा, स्पंजी। मैंने मसल लिया। अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए 1 चम्मच सूजी डालेंगे और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से ये बिल्कुल हमारा बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार है। ये देखिए अब हम इसमें 1 पिंच बेकिंग पाउडर डालेंगे। इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं डालेंगे। इसे डाल के हम इसे भी मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिक्स कर लिए। अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। लेमन येलो फूड कलर है, आप चाहें तो व्हाइट भी रख सकते हैं।
बट मुझे थोड़ा येलो कलर बनाना है इसका। अब इसे हम कलर को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने कलर डाल के मिक्स कर लिया। अब हम इसे इस तरह से करके छोटे छोटे बिल्कुल इस तरह से रोल करके एक साइज के हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसे अपने हाथों में ये देखिए मैंने सारे चमचम को बना लिया है। अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। फिर चलते हैं गैस की तरफ। चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दिया है। कोई भी बड़ा सा बर्तन ले लीजिए जो फैला हुआ है। हो इसमें हम 2 कप चीनी डालेंगे। 1 कप 2 कप और इसी कप से हम 5 कप पानी डालेंगे। हम गैस की फ्लेम हाई करेंगे और इसमें हम उबाल आने देंगे। ये देखिए चाशनी में हमारे उबाल आने लगे। पानी हमारा अच्छे से उबल गया है। अब हम एक चमचम को डाल के ये देखिए एक एक चमचम को हम डालेंगे इस तरीके से। एक ही बार में नहीं डालेंगे, एक एक करके डालेंगे ताकि ये जो बबल्स हो रहा है ना ये हमें बंद नहीं होना चाहिए हमारा। बिल्कुल ऐसे ही इसे हाई फ्लेम पे ही हम बनाएंगे। एक एक डालते रहेंगे। ये देखिए इसी तरीके से सारे चमचम को हम डालेंगे। ये देखिए एक एक चमचम को मैंने डाल दिया। सारे चमचम को मैंने एक एक करके डाल दिया। अब हम इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए। हम इसको ढक देंगे। अब हम ढक्कन हटा लेते हैं। 5 मिनट हमारा हो गया। ये देखिए बिल्कुल आराम से हम इसे चलाएंगे। बिल्कुल इस तरह से चाशनी को घुमाएंगे हम। रसगुल्ले को हम टच नहीं करेंगे बिल्कुल। और मैंने एक साइड गैस पे पानी चढ़ा दिया है। ये देखिए पानी हम इसलिए चढ़ाए हैं अगर हमारे चाशनी में पानी कम लगेगा तो हम इसमें गरम पानी इस तरह से गैस बंद कर देते हैं। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे हम। अब हम इसे ढक देते हैं। ढक के फिर 10 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे। ये देखिए अब हम ढक्कन हटा देते हैं। 10 मिनट हमारा हो गया। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं हमारे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे। इसे हम ढकेंगे नहीं। ये देखिए 5 मिनट हो गया हमारा। अब हम इसमें 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। इसकी जगह पे आप केवड़ा एसेंस डाल सकते हैं या गुलाब एसेंस डाल सकते हैं। मुझे इलायची का फ्लेवर अच्छा लगता है इसलिए मैंने इलायची पाउडर डाला है। अब हम इसे डाल के इस तरह से चला लेंगे। अब गैस ऑफ कर देते हैं। अब हम इसे 1/2 से 1 घंटे के लिए ढक के रख देंगे
ताकि हमारी मिठाई में ना चाशनी अच्छे से। ये देखिए चमचम को मैंने एक घंटे के लिए चाशनी में छोड़ दिया था। एक घंटे के लिए चाशनी में छोड़ने से क्या होता है ना कि हमारा चमचम बिल्कुल जूसी बनेगा। ये देखिए अब हम इसे निकाल लेते हैं, इसे निकाल लेंगे। और मैंने ये नारियल का बुरादा लिया है, इसे हम इस चमचम में इस तरह से कोट कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए जन्माष्टमी स्पेशल हमारी चमचम बनके तैयार है। कितना सुंदर लग रहा है, कलर भी बहुत ही प्यारा आया है। अब आप इसे कान्हा जी को भोग लगाइए, कान्हा जी भी खुश हो जाएंगे और बाकी घर के लोग भी सभी खुश हो जाएंगे इसे खा के। आप एक बार इसे ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, जल्दी मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।